उज्जैन बड़नगर तहसील के सुबासा ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले करीब 28 लोगों की मौत हुई है पिछले महीने और इन मौतों का रिकॉर्ड शासकीय ग्राम पंचायत में दर्ज है और इन 28 मौतों का होना बताया जा रहा है कि इन मृतकों की मौत हुई है डायबिटीज लकवा हार्ट पेशेंट और तमाम अन्य बीमारियों से इन लोगों की मौत हुई है। एक गंभीर महामारी कोरोना वायरस से कितने लोगों की मौत हुई है इस बात की रिपोर्ट और प्रमाण अभी तक ग्राम पंचायत के पास और शासकीय रिकॉर्ड शासन के पास नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी के समय अन्य बीमारियों का भी प्रकोप और असर रहता है पर शहर और तहसील में अधिकारियों की लापरवाही जम कर रही। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय नहीं पहुँच सके उपचार करवाने के लिए, साथ ही हमारे गाँव में जो हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ पर लापरवाह अधिकारियों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिसके परिणाम यह रहे हैं कि जो लोग बीमार थे वह अपनी बीमारी परेशानी को सहन करते रहे और घरों पर कई दिनों तक पड़े रहे, गोली दवाई मेडिकल स्टोर और अन्य जगह से लेकर खाते रहे और उम्मीद बांधते रहे मौत से लड़ाई करते हुए। अंतिम समय तक ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे पर मौत के आगे हार मान गए और इनका निधन हो गया। जबकि गंभीर महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार और जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को सुधारने के प्रयास कर रहे थे और साथ ही वे इस दौरान बैठक निरीक्षण का प्रपंच रच रहे थे, दिखावा कर रहे थे और फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं हुई हैं, लोग परेशान होते हुए और मौसमी बीमारियों से और साथ ही में उनका समय पर उपचार नहीं हो सका, परिजन और मरीज डर की वजह से घरों पर ही रहे और इसके परिणाम यह रहे कि एक गांव में अंदर ही 28 लोगों की करीब मौत हो गई है। अब इन मृतक परिवारों के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है और इनके घरों पे अब मातम छाया हुआ है और सभी आलम न तो यहाँ पर किसी भी शासकीय रिकॉर्ड में यह बातें दर्ज है और ना ही कितने लोगों की मौत गंभीर महामारी कोरोना वायरस से हुई है। शासन प्रशासन राज्य सरकार से किसी प्रकार से इन मृतक परिवार के सदस्यों को मदद मिल पाएगी, साथ ही में अभी तक न ही किसी जनप्रतिनिधि ने इस ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया है और न ही यथास्थिति को जाना है और जानने की कोशिश की है। कौन सा गाँव है और करीब कितने लोगों का निधन यहाँ पर हो चुका है? हमारे गाँव में कम से कम करीबन 28 लोगों की मौत हुई है, इसमें कोरोना के नाम पे बहुत कम लोग मरे हैं। वैसे गंभीर महामारी कोरोना वायरस की मौत होने का रिकॉर्ड पंचायत के पास भी मौजूद नहीं है और जिन लोगों की मौत हुई है उनके पास भी मौजूद नहीं है। अब ऐसे में कैसे इन लोगों को मुआवजा मिल जाएगा, कैसे इनकी मदद हो पाएगी और कैसे इनकी कोई मदद तो हो ही नहीं पाएगी? कई लोग तो ऐसी बीमारियों से मरे हैं जो जैसे हार्ट अटैक है, इसमें ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, इसमें उनकी मौतें हुई है। तो आपके गांव में हॉस्पिटल वगैरह नहीं? अभी हॉस्पिटल नहीं है आपके यहाँ? स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे सुहासा गांव में कोई आज दिन तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, बस कंप्यूटर साहब आते हैं और चले जाते हैं। फिर आप लोगों को जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए? या बड़नगर जाओ या उज्जैन जाओ। यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है? हॉस्पिटल बना हुआ है पर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, उपचार व्यवस्था कोई भी नहीं है। अच्छा, किसी भी चीज की कोई व्यवस्था नहीं। भाई साहब आप कौन सी ग्राम पंचायत में पदस्थ हैं? और ये मैं सुहासा ग्राम पंचायत में। आपकी ग्राम पंचायत में करीब पिछले 1.5 महीने के अंदर कितने लोगों की मौत हुई है? और 26 व्यक्तियों की लगभग एक्सपायर हुए हैं। 26 लोगों का निधन हुआ है? जी जी। भाई साहब इसमें गंभीर महामारी कोरोना वायरस से करीब कितने लोगों की मौत हुई है, ऐसा कोई साक्ष्य ऐसा कोई दस्तावेज आए हैं अभी तक? क्या जी सर, नहीं आए हैं अभी। नहीं आए हैं। इन 20 से ज़्यादा जो मरीज हैं परिजन हैं उनकी मौत किस बीमारी से होना लग रहा है और क्या वजह लग रही है? उम्र अधिक भी है, कुछ प्राकृतिक भी हो हुए हैं और कुछ ब्लड प्रेशर शुगर या अन्य बीमारी भी इस कारण मिलती है। अन्य बीमारियों के ज़्यादा लक्षण दिखाई दिए हैं जिनसे इन लोगों की मौत हुई है। शासन प्रशासन स्तर पर किस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई, संभाला गया और क्या रहा? ये गांव सुवासन जैसे मान लो थोड़ा सा लगने लग गया तो हमने सबसे पहले गांव में सर्वे शासन द्वारा जो सर्वे जगह था वो कम से कम 5 चरण में सर्वे करवाया गया और उन सर्वे के अंतर्गत हमें जो भी लगे सर्दी खांसी बुखार वाले व्यक्ति लक्षण दिखे उनके अलग करीब 125 जमीन फिर बांटी गई हमारे गाँव में लगभग। और उसके बाद में गाँव में आज के दिन मात्र 3 व्यक्ति जो थे व्यक्ति एक्टिव गैस है और बाकी सब ठीक हो गए। 17 डेस्ट पूरे गाँव में। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।